अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, हम हाजिर हैं न्यू व्लॉग न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने लगे हैं कढ़ी। ये यहाँ पे हमने अपनी लस्सी ले ली है और यहाँ पे हमने अपने पकौड़ों का सामान तैयार कर लिया। आलू और प्याज छीक काट लिए हमने और यहाँ पे जो हमारा पतीला है वो गर्म हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज शामिल कर देंगे। जी यहाँ पे हमने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है हमने। इधर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी और तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करने लगे हैं। हरी मिर्च, नमक, ज़ीरा और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल कर दिए। तड़के को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारी चाय बन गई है साथ। हम इसमें शामिल करने लगे हैं ये हमने ना ये बेसन में हमने कढ़ी डाल के लस्सी डाल के मिक्स कर ली थी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसका घी ऊपर नहीं आ जाएगा तो ये तब तक हमें इसको पकाते रहेंगे। यहाँ पे हमने अपने जो आलू थे वो क्यूब की शक्ल में काट लिए। प्याज और हरी मिर्च है। अब हम इसमें बेसन ऐड करने लगे हैं। ये हम यहाँ पे अपने पकौड़ों का मटेरियल तैयार कर रहे हैं। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बी साइड का। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं सूखा धनिया। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा ऐड कर लेंगे और इसको करेंगे अब हम मिक्स। इधर हमारी कढ़ी पक रही है, तकरीबन आधी पक चुकी है। मज़ीद हम इसे और पकाएंगे। अभी थोड़ी सी पतली है। इधर हम चावल बॉयल करने लगे हैं कढ़ी के साथ वाइट राइस। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। अब पानी जब बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। इधर हमने अपने चावल भी भिगो के रख लिए हैं। बाद में आपको इसकी दिखाएंगे नेक्स्ट लुक। कढ़ी हमारी बन चुकी है। अब हम बनाने लगे हैं पकौड़े। हमारा मटेरियल है, घी गर्म हो चुका है। जी यहाँ पे हम अपने पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मेज़ा बना के रखा था तो हम यहाँ पे पकोड़ों को फ्राई कर रहे हैं। हमारी कढ़ी पक के तैयार है। यहाँ पे हमने चावलों को दम दिया हुआ है। हमारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। दो पूर हमने डाल दिए कढ़ी में। देखिए हमारी कढ़ी की लुक कितनी अच्छी लग रही है।
हमारी कढ़ी तैयार है, हमने पकौड़े इसमें आधे डाल दिए हैं, ये देखिए अभी भी डाल देंगे। हमारी बहुत मज़े की कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को रिकमेंड करें। अल्लाह हाफिज़।